ऑल राइट गुरु, क्योंकि भैया हर तरफ शाहरुख खान की पठान मूवी का डंका बज रहा है, तो यार कैसे नहीं हो सकता कि भाई आप लोग अपडेट ना दें, क्योंकि आज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इंडिया की तरफ से हो, चाहे भैया पिंक वेला की अपडेट हो या बॉलीवुड हंगामा की इनसाइड अपडेट हो, काफ़ी जगहों पर ये कन्फर्म हो चुका है कि पठान का अब जो टीजर आने वाला है वो मेन मुद्दे की बात आ चुकी है गुरु। क्योंकि आप लोगों को पता होगा, पहले बोला जा रहा था कि शमशेरा के साथ रिलीज किया जाएगा, फिर बोला जा रहा था कि 15 अगस्त को आप लोग देखने को मिलेगा, लेकिन आखिर कब देखने को मिलेगा, क्या है सच्चाई, 15 अगस्त को देखने को मिलेगा या आप लोग शमशेरा के साथ देखने को मिलेगा, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आखिर क्या रियल अपडेट है वही मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हर अपडेट मिलती रहे आप लोग सबसे पहले, और बेल आइकन को दबा दो क्योंकि भाई का वीडियो आप लोग को सबसे पहले पहुंचना चाहिए गुरु। यार सबसे पहले बात करें पठान मूवी की ऑफिशियल टीजर की अपडेट की, तो यही अपडेट आ रही है कि पहले तो आप लोग को पता था कि शमशेरा के साथ आप लोग को एंड में दिखाया जाएगा, क्योंकि शमशेरा एक मास ऑडियंस के लिए मूवी बनाई गई है जिसमें आप लोग को मारदार एक्शन और आप लोग को पुरानी दौर की कहानी देखने को मिली, जो आप लोग वॉरियर टाइप काफ़ी इंजॉय करोगे उस मूवी को। तो ऐसे बताया जा रहा था कि भाई लास्ट में, क्योंकि ये वायरस की लास्ट मूवी होने वाली है 2022 में, फिर स्टार्टिंग में 2023 की पठान से स्टार्ट की जाएगी। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि प्रमोशन अब भैया वो वायरस जिस तरह करने वाली है ना, वो नेक्स्ट लेवल करने वाली है। ऐसे अपडेट आ रही है कि 15 अगस्त को रिलीज़ नहीं किया जाएगा फिर से, क्योंकि ये खबर आ चुकी है और बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की अपडेट की तरफ से, और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो इंडिया का बहुत ही बड़ा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का पेज है, उसने ये कन्फर्म कर दिया और फिर से दावा दिया है कि 100% टीजर जो है वो शमशेरा के साथ आप लोग को देखने को मिलेगा। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या ये 15 अगस्त को आना चाहिए या शमशेरा के साथ आना चाहिए, अब आप लोग बताएं आप लोगों को क्या लगता है किसके साथ आना चाहिए, आप लोगों को 15 अगस्त को देखना है या शमशेरा के साथ देखना है, आप लोग क्या लगता है कमेंट बताइए बताएगा। लेकिन देखते हैं ये अपडेट सच होती है या ये अपडेट भी फ्लॉप हो जाती है वो तब पता चलेगा, लेकिन हम तो चाहते हैं कि भैया जिसके भी साथ आए, लेकिन पठान का टीज़र हमको मांगता है गुरु, हमको देखना चाहिए टीज़र आना चाहिए ताकि पता चल सके कि पठान एक ऐसा बवंडर है जो बॉक्स ऑफिस पर इतने रिकॉर्ड करेगा कि हमने भैया सोची ना होगी। तो आप लोग क्या कहना चाहते हो पठान के टीज़र के बारे में, हमें कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा ताकि हर अपडेट मिलती रहे आप लोगों को सबसे पहले, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए पठान मूवी होगी, डंकी मूवी होगी, जवान मूवी होगी, एसआर की जितनी मूवी आने वाली सबके बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप लोग एसआर के फैन हो चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ कहना तो भाई को इजाजत।